नमस्कार, नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे स्क्रीन के दूसरी में भाग में अजीत सिंह जी उर्फ बाबा रामदास जी हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे आदि पुरुष पे। अजीत सिंह जी जहां पर एक बढ़िया लेखक हैं, कुश्ती के पूर्व कोच भी हैं और अब तो उन्होंने जो है संन्यास भी वानप्रस्थ ले लिया है, लेकिन फिल्म की भी बहुत अच्छी इनको पकड़ है और अच्छी फिल्म मतलब जो कलात्मक फिल्म कहते हैं उस पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, इनकी बड़ी अच्छी पसंद भी है। तो मैंने सोचा कि आज जो है आदि पुरुष में बात करने के लिए ऐसे ही कलात्मक व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 48 घंटे से पूरे भारत में आदि पुरुष को लेके तरह तरह की बातें हो रही है, जिसपे मेरा भी अपना एक व्यू है। तो मैं आज जो है अजीत सिंह भाई से ये पूछना चाहूंगा कि पहले ये बताइए अजीत भाई, ये आदि पुरुष क्यों बनाई गई है? सर, ये आपको ध्यान होगा कि उड़ी उड़ी जब बनी थी ना, उड़ी फिल्म जी, सर्जिकल स्ट्राइक पे, तो वो एक ठीक ठाक सी मीडियोकर फिल्म थी। मतलब एज अ मतलब सिनेमैटिक दृष्टि से और कमर्शियल दृष्टि से भी एवरेज फिल्म थी। मैं एवरेज क्या, उसको बिलो एवरेज मानता हूं व्हेन वी टॉक सिनेमैटिकली, सिनेमा की दृष्टि से जी। परंतु वो एक बहुत बड़ी मेगा हिट सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसमें जो कथानक था, जो नैरेटिव था, वो नए उभरते जो भारत का जो को जो नैरेटिव पसंद है ना, जिसे हम कहते हैं ना वो सनातन हिंदू समाज और राइट विंग, जो एक नया वर्ग जो अभी बहुत एग्रेसिव होकर उभरा है समाज में जब से स्पेशली सोशल मीडिया का जमाना आया है, और प्रो बीजेपी, प्रो मोदी, प्रो सनातन, प्रो राइट विंग जो ऑडियंस है उसको फीड करती थी वो फिल्म। और वो एक इट वॉज अ सरप्राइज हिट एंड इट वॉज अ वेरी बिग हिट, जबकि उसका बजट बहुत कम था। मैंने सुना मात्र 20-25 करोड़ की फिल्म थी। बिल्कुल होगा। तो सर अब देखिए, सिनेमा बॉलीवुड के लिए सिनेमा विशुद्ध बिजनेस है, जो बिकेगा वो बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये लेफ्ट विंग और जो लिबरल लिब्रांडू जो लॉबी थी उसकी फिल्में एक के बाद एक लगातार पिटी, बड़ी बड़ी फिल्में पिटी, और राइट विंग की छोटी फिल्में बहुत बड़ी मेगा हिट हुई। लाइक भाई कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, केरला स्टोरी देख लीजिए, उसके बाद वो कांतारा देख लीजिए, है? तो बॉलीवुड को एक फॉर्मूला मिल गया है कि भैया राइट विंग को पोषित करने वाला सिनेमा बनाओ, वो स्टोरी बनाओ, तो राइट विंग अच्छा मुफ्त की पब्लिसिटी देता है राइट विंग। हालांकि मुफ्त की पब्लिसिटी तो लिब्रांडो को भी देता है, नेगेटिव पब्लिसिटी देता है, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, इतना गरिया देगा, इतना गरिया देगा कि मुफ्त की पब्लिसिटी उनको भी मिलती है पर वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती। अब आप देखिए ना, मुझे अच्छी तरह याद है कश्मीर फाइल्स में हम लोगों ने अभियान चलाया। मुझे याद है मेरे ज्यादा फकीर फक्कड़ आदमी भी 20 बच्चों को हमने टिकट स्पॉन्सर किया। और मुझे याद है अवनीश भाई की बेटी संडे को अपने मित्रों के साथ सिनेमा देखने गई हुई थी, बाई चांस मुझे बात हो गई, मैंने पूछा बेटा कहाँ हो, बोला अंकल हम सिनेमा देखने आए। मैंने कौन सिनेमा देखने आई हो, पता नहीं बगल में कोई और उसी हॉल में है। मैंने कहा पागल हो काबे, एक तो हम तुमको टिकट स्पॉन्सर कर रहा है, अपने दोस्तों को बोलो कि नहीं वो नहीं देखनी है, कश्मीर फाइल देखनी है। उन लड़कियों ने वो टिकट अपने वो प्रोग्राम कैंसिल किया, इंजीनियरिंग कॉलेज की इसके साथ खुशी के साथ की बच्चियां थी, 20 टिकट हमने दिया, नहीं 10 उस दिन 10 टिकट दिया, उन 10 बच्चियों ने वो टिकट कैंसिल करके कश्मीर फाइल देखी और दे वर मूव्ड।
उसके बाद मैंने उन बच्चियों से बाकायदा फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि अंकल हमें तो सचमुच पता ही नहीं था कि कश्मीर में इतना कुछ हुआ। मैंने कहा बेटा ये तो 1% दिखाया है, कश्मीर में तो जो दिखा पाए, उनके सिनेमा की भी तो अपनी सीमाएं है ना, वो बहुत कुछ दिखा नहीं सकते। मैंने कहा जितना हुआ है उसका 1% दिखाया है, अब आप इसको 100 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना अत्याचार हुआ है। उसके बाद जब ये बच्चियां गईं, इन्होंने अपने हॉस्टल में बताया कि हमने ऐसे 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 किया है, तो उन्होंने बोला हम भी जाएंगे। तो वो जो मेरी मेरे हिस्से की बची हुई 10 टिकट थी, वो फिर मैंने उनको वो टिकट दिलवाई। उसके बाद सर मुझे याद है सैकड़ों मित्रों ने हजारों बच्चियों को स्पॉन्सर किया, बच्चों को स्पॉन्सर किया, युवाओं को स्पॉन्सर किया। सर सेम थिंग हैपेंड विद केरला स्टोरी एग्जैक्टली। तो सर अब एक तो कहानी नैरेटिव के रूप में बॉलीवुड को एक फॉर्मूला मिल गया है सक्सेस का, कि 20-25 करोड़ रुपया खर्च के अगर ठीक ठाक सा काम चलाऊ, सिनेमेटिकली मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोरी एंड द प्रोपेगेंडा एंड द नैरेटिव, सिनेमा के क्राफ्ट की दृष्टि से अगर बिलो एवरेज फिल्म भी बना दोगे तो भी दर्शक सुपर डुपर हिट करा देगा। तो उसी क्रम में ये मान लीजिए कि आदि पुरुष आई है, परंतु आदि अच्छा अब अगला आप सवाल करिए, आदि पुरुष पे अब हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अब ये तो हो गया कि कारण आ गया, जो प्रोड्यूसर जब धन लगाता है कि उसको जो है कम टाइम में जो है एक श्योर शॉट फॉर्मूला होता है उसका, ये इस समय इस काल में समाज में इसकी एक्सेप्टेंस हम इतना लगाएंगे तो मिल जाएगा, और राइट विंगर बिल्कुल जो है भूखा तड़पा है, उसको आप राइट विंग के उनके कथानक के दृष्टिकोण से कुछ भी परोसिएगा वो चल जाएगा। अब मेरा सवाल ये कि आदि पुरुष यदि उनको जब ये इसका मुहूर्त हुआ था या जब उसके पिछले 6 महीने पहले जब भी रिलीज से पहले तक यही सी बात हो रही थी कि पूरी जो है राम कथा का ही एक का ये सिनेमाकरण है, ये जो है वाल्मीकि की रामायण और तुलसी की रामचरितमानस से पूरी तरह प्रेरित है। उसके बाद आदि पुरुष जब बनाते हैं तो उसमें राम नहीं दिखते हैं, राम कथा का भी उसमें विलोम होता है, तो उसके पीछे क्या मानसिकता है कि आप जो है जब विजुलाइज करते हैं या लेखन करते हैं तो आप पूरी पूरी कहानी के पात्र के चरित्र के साथ साथ जो है घटनाक्रम को भी बदल देते हैं, ये करने का जो साहस जो है किन कारणों से होता है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि आखिर टी सीरीज गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने बनाई है ना फिल्म टी सीरीज, और अन्य मुख्य जो पैसा लगा है वो टी सीरीज का लगा है, और मैंने सुना है कि 600 करोड़ रुपया लगा है, ये कमाल की बात। और जहां तक मुझे, मैंने हालांकि फिल्म देखी नहीं है और ना मेरा देखने का कोई इरादा है, क्योंकि मैं, मेरी एक समस्या है कि मैं घटिया सिनेमा नहीं देख सकता। मेरे लिए सिनेमा एज अ क्राफ्ट है, मैं इस पर अभी आगे चल के इलैबोरेट करूंगा, परंतु जैसा कि लोगों ने बताया है कि एक तो वो सिनेमेटिकली बहुत ही घटिया फिल्म है, कथानक पे फिर भी बाद में आएंगे, कथानक के साथ तो उन्होंने भयानक छेड़छाड़ की है और उनको इसकी जितनी सजा दी जाए वो कम होगी, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो है ना वो उनके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करती। जहां तक हाँ जहां तक धार्मिक भावनाओं की बात है और राम जैसा चरित्र, राम सब भारत के रोम रोम में बसते हैं ना, मतलब हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत। आप राम के बिना भारत की, भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, भारत की कल्पना भी कर सकते हैं क्या राम के बिना? मतलब राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं भाई, है ना? बिल्कुल, राम इज अ रोल मॉडल फॉर अवर सोसाइटी। मेरे ख्याल से भारतीय जनमानस की आत्मा में पैदा होते ही राम जो है समाहित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, राम से बड़ा कैरेक्टर कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर आप राम के, राम कथा से छेड़छाड़ करते हैं
और मैं एक बात बताऊं, देखिए राम के अतिरिक्त, राम तो फिर भी पुरुष है ना, जहां सीता मां का की बात आ जाती है, जहां सीता मैया का जहां जिक्र आ गया, माता सीता का, उस मामले में भारतीय जो है ना हिंदू, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप, मैं हिंदू की बात नहीं करता हूं, मेरी बहुत सारे क्रिश्चियंस से, बहुत सारे मुसलमानों से और कट्टर मुसलमानों से भी बात हुई है, मेरी बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं से बात होती है इस विषय में, कॉलेज स्कूल गोइंग गर्ल से मेरी बात हुई है, वो भी जब सीता मां का जिक्र करती हैं, जब सीता जी का कैरेक्टर वो डिस्कस करती है ना, तो वो भी भाव विभोर हो जाती है। और यदि आप सीता जी को, माता सीता को रोमांस करते हुए या ग्लैमरस कपड़ों में, है ना, तो सीता जी की एक छवि है ना हमारे दिमाग में, उसमें हमें अपनी मां, अपनी दादी दिखाई देती है, और पूरे 14 साल तपस्विनी, जहां तपस्वी की तरह उन्होंने 14 साल निर्वाह किया, वहां सीता जी ने भी 14 वर्ष जो है तपस्विनी की तरह रही है, तो उसमें ये जो प्रेम का जो नई परिभाषा है उसके तहत जो है अनुराग स्नेह की जगह जो उन्होंने वासनात्मक प्रेम की जो छाप छोड़ी है, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये हमारी छवि में आती है। नहीं नहीं, ये तो आपने सीधा सीधा हमारे मर्म पे हाथ लगा दिया ना, मतलब ये इतना बड़ा अक्षम्य अपराध है कि यदि आप राम और सीता की छवि से छेड़खानी करते हैं, उनकी छवि को बदल रहे हैं, मतलब आप सीता मैया को, अरे भैया ठीक है, हमारे मेरे मां और पिता ने भी रोमांस किया है, मेरे दादा दादी ने भी रोमांस किया होगा, परंतु वो पर्दे के पीछे का विषय रहा है, मुझे उस रोमांस को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो यदि आप सीता मां को बाल खोले हुए हैं, एक कामुक सी यूनिफॉर्म पहना के, जहां उनके कंधे दिखाई दे रहे हैं, और देखिए हमारे मन में कौन सी सीता मैया रची बची है, रामानंद सागर की रामायण वाली, आप दीपिका चिखलिया को, मतलब उनकी छवि को याद कर लीजिए, बिल्कुल हमारी सीता एग्जैक्टली वो है। एक बार वो बता रही थी कि वो जो लक्ष्मण का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो, और वो ऑफ शॉट कहीं साइड में हो रहा था, कहीं शूट हो रहा था, तो वो लक्ष्मण से ना बड़ा खुल के हंस हंस के बातें कर रही थी, पब्लिक ने उनको दौड़ा लिया और लक्ष्मण जी पिटते पिटते बचे थे। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सीता मैया से ऐसे बात कर रहे हो? तुमने बोला भाई साहब ये अभी शूट नहीं चल रहा है और हम लोग सामान्य लोग हैं, वी आर एक्टर्स। बोला एक्टर नहीं हो तुम, मतलब भारत ने अरुण गोविल को कभी एक्टर माना ही नहीं। सही कह रहा है, मतलब उनमें रामी देखा उसका, और अरुण गोविल उसका पिक्चर में काम भी नहीं कर पाए क्योंकि उसके बाद दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल का एक तरह से कैरियर खत्म हो गया, एक्टिंग का कैरियर, बिकॉज पीपल कुड नेवर एक्सेप्ट देम एनीवेयर एल्स। यस, और यही जो आपने बात कही है जीत भाई, बहुत बड़ी बात कही है और जो बिल्कुल सत्य भी है भारतीय जनमानस में, इसीलिए जब उनकी छवि को भ्रष्ट करने का प्रयास इतने, मैं कह रहा था, बड़ी फुहर तरीके से की गई, तब लगता है कि इस फिल्म के पीछे जो है कुछ खेल और दूसरा था, खराब पिक्चर बनाना वो करना अलग है, ये 600 करोड़ 200 करोड़ की भी पिक्चर मुझको, मैं जो जितने मेरे तो कुछ लोगों ने देखी है और जो वीआर उसके देखे हैं, उसे स्पष्ट है कि इसके अंदर बहुत लंबा गेम पैसे का भी हुआ है, इसमें मेरे ख्याल से मनी लॉन्ड्रिंग भी लग रही है इसके अंदर, तो सिनेमेटिक पुअर के साथ साथ इसमें सारे कुकर मुझे समझ में आते। और फिर आखिर में एक चीज और देखिए कि जहां पर जब पब्लिक का पूरे भारत से, हर वर्ग से जब इसकी जो है कटु आलोचना आने लगी,
उसके ये आपके मनोज मुंतशिर जो जो उसके लेखक है वो टीवी पे आए, और मैं जब आए थे मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि क्षमा मांगने आए हैं जनता से, लेकिन उतनी बड़ी घृष्टता से जो है क्षमा मांगने की जगह जो है अपने को डिफेंड कर रहे थे। ये मुझे समझ नहीं, ये कौन सा हमारी मानसिकता कहाँ से आई है कि घृष्टता पूर्वक आप जो है हम पे, हमारे हिंदू के नायक नायिका सनातन पे आप जो है कीचड़ उछालते हैं और घृष्टता पूर्वक अट्ठास भी कर रहे हैं। देखिए वो तो मनोज मुंतशिर की भयानक थेथर रही है। मैं ना, मुझे एक बात याद आ गई, मैं पिछले दिनों मुझे मिथिलांचल में जाने का अवसर मिला, तो मुझे वहां पे, और यकीन मानिए मुझे ये सब बातें मालूम नहीं थी, मेरे जैसे घूमे फिरे हांडे हुए आदमी को भी ये बातें मालूम नहीं थी। तो जब मैं मिथिलांचल गया तो वहां पे मुझे बताया गया कि यहाँ के लोग अब हम लोगों की दिशा में, मतलब अयोध्या जी की दिशा में लड़की नहीं ब्याहते हैं, मतलब मर जाएंगे पर अपने यहां से जो है नॉर्थ साइड में लड़की नहीं जाती, लड़की जब भी जाएगी वो साउथवर्ड्स और इधर दूसरी दिशा में जाएगी। तो हमने पूछा क्यों, बोला अरे एक लड़की तो उनके दिया गिल बस, मतलब सीता माँ का जो तुम लोगों ने हाल किया है अयोध्या वालों ने। तो मैंने कहा अब तक गुस्सा है, अब तक इतना आक्रोश है मिथिला में? कहते हाँ, मिथिला आज भी उतनी ही आक्रोशित है जितनी तब थी। उसके बाद तब मुझे बताया गया कि आज भी विवाह गीत जब गाए जाते हैं तो राम को वो गाली दी जाती है कि भाई साहब आदमी शरीफ आदमी कान धो लेगा। तो मुझे वो विवाह गीत सुनने को मिले, वो गाली सुनने को मिली, और बाकायदा राम दशरथ और पूरी अयोध्या को नाम ले लेकर, और इतनी फुहर गाली कि मैं आपको क्या बताऊं। पर मुझे वो आक्रोश समझ में आया और मुझे बुरा नहीं लगा। उन गालियों से भी उनका ना अपनी बेटी सीता के प्रति उनका प्रेम, और सीता के साथ जो जो भी कुछ हुआ अयोध्या में, वो आक्रोश आज तक जिंदा है, अब भी वो घाव हरे हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि सीता मैया से और राम से भारत किस कदर जुड़ा है, और उन जख्मों को आप कुरेद रहे हैं, मतलब हाउ डेयर टू टच। समस्या ये है। और एक बात बताऊं आपको, सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल। नहीं आप समझ लीजिए। और एक बात बताऊं भाई, आपको सिनेमैटिक फ्रीडम चाहिए, आपको सिनेमैटिक लिबर्टीज लेनी है। श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई, श्याम बेनेगल को बोला गया कि आप फिल्म बनाइए, तो उन्होंने बोला महाभारत में फिल्म बनाई है। तब श्याम बेनेगल चूंकि आर्ट फिल्मों के निर्माता थे, बड़ी सीरियस उनका कंटेंट होता था, तो निर्माता ने कहा कि अगर इनको हम पीरियड फिल्म इनसे बनवाएंगे तो ये तो कबड़ा कर देंगे, क्योंकि कमर्शियली वो इतनी बड़ी हिट नहीं होनी है पर बजट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या खूबसूरत सर महाभारत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इससे बढ़िया कोई कंटेम्परेरी मूवी नहीं है, कोई कंटेम्परेरी, मतलब महाभारत हूबहू उतार कर रख दी है उन्होंने, कलयुग फिल्म का नाम है। और मैं भारत की सबसे 10 बेहतरीन हिंदी सिनेमा की साथ 10 सबसे बेहतरीन फिल्मों की जब सूची बनाता हूं तो उसमें कलयुग हमेशा टॉप पे रही है। आप देखिए ना क्या खूबसूरत महाभारत बनाई है उन्होंने, एक कंटेम्परेरी, एक वर्तमान, एक मॉडर्न स्टोरी लाइन लेके, दो फिल्मों की कॉर्पोरेट राइवलरी लेके महाभारत को क्या खूबसूरत चित्रण किया है। अगर आपको रामायण पर ही फिल्म बनाती थी तो और बहुत से तरीके हैं, पर बात यह है ना, समस्या पता क्या है, एक तो उन्होंने, मैंने सुना है फिल्म के शुरू में 5 मिनट का लेक्चर दिया है, डिस्क्लेमर दिया है कि ये राम कथा नहीं है, है?
ये शायद तब हुआ जब फिल्म का टीजर आया था, आपको याद होगा बहुत भयानक प्रतिक्रिया आई थी, और इनको तभी पता लग गया था कि हमसे एक ब्लंडर हो गया है, पर तब तक तो फिल्म बन चुकी थी, तो इन्होंने उसको सुधारने की कोशिश की, पर कितना सुधारेंगे आप पैचवर्क करके, किसी इतने बड़े ब्लंडर को कैसे सुधारेंगे 600 करोड़ के। खैर 600 करोड़ में उन्होंने क्या खेल किया ये तो बात की बात है। तो और मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो मुझे लगा बताया गया कि उन्होंने फिल्म जो है वो 18 से लेके 25 साल के युवा दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए बनाई है, नंबर वन, और सारा एनिमेशन और VFX और ये सब चीजों का प्रयोग करते हुए, और मैंने सुना, पता नहीं, मैंने वो फिल्में असल में देखी ही नहीं है जिनको जिनसे इंस्पायर्ड बताया गया, वो पता नहीं कौन सी है ना, वो जो आजकल मार्वल की एवेंजर, एवेंजर मार्वल, और मैंने वो कौन थी वो, अरे सुपर हीरो हैरी पॉटर वाली जो सीरीज है, उस टाइप की जो फिल्में आती हैं, तो इनफैक्ट मैं वो फिल्में देखता नहीं हूँ वाली, मेरा जो फिल्मों का टेस्ट है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत अलग किस्म का है, तो चूंकि मैंने वो फिल्में नहीं देखी तो इसके ऊपर भी मुझे मालूम ही नहीं है कि किस फिल्म की कॉपी कहाँ गई है। परंतु ये जो नया दर्शक वर्ग जो सिनेमा में तैयार हुआ है 18 से 25 साल वाला, उसको ध्यान में रख के बनाई गई है, पर उसको ध्यान में रख के भी आपको मूल कथानक से, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने की, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या जो डायलॉग्स, जो घटिया बाजारू डायलॉग्स बोले गए हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, गैंग्स ऑफ वासेपुर की लैंग्वेज को लेके बड़ी आलोचना होती है, तो या अगर आपको ध्यान हो सत्या का जो ट्रीटमेंट था है ना, सत्या का जो कैरेक्टर्स थे, सत्या का सब कुछ था, तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, एक आदमी अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बना रहा है, एक आदमी गांव देहाती समाज दिखा रहा है, तो क्या आप देहाती समाज के मुंह से आप रामानंद सागर के महाभारत और रामायण की भाषा बुलवाएंगे, भ्राताश्री आप क्या कर रहे हैं? अरे भैया जो कैरेक्टर है वही भाषा तो बोलेगा, इसलिए मुझे कभी भी सत्या के कैरेक्टर्स की बोलचाल, उनकी भाषा, उनके डायलॉग्स, या गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह की डायलॉग्स पर कभी आपत्ति नहीं हुई, बल्कि मैंने कहा इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड है कि उससे वही बात बुलवाई जाए। पर आपको हनुमान जी से, रामायण के चरित्रों से, ये छपरी भाषा, ये बाजारू सड़क छाप डायलॉग्स, ये आइडिया इनको दिया किसने? तो यही तो है कि सोच क्या थी इसके पीछे, सोच क्या थी? यदि आपने उस वर्ग के लोगों के लिए बना भी रहे थे, तो एक तो आज से 30 साल पहले जापान में एनिमेशन मूवी बनी थी रामायण पे, वो तो बच्चों के लिए थी, उसको बड़ों ने भी देखा। रामायण जो है किसी कालखंड में कैद नहीं है और ना किसी वर्ग की है, ये सोच भी जो है बिल्कुल हमको घटिया मानसिकता बाजारीकरण की है, कि जहां पर आप एक वर्ग को टारगेट करके आप जो है रामायण या रामकथा या रामकथा के चरित्र इसमें बंधे हुए नहीं है, ये यूनिवर्सल है। यस, तो ये जो क्या करा पूरी विष्ठा जो उन्होंने जो है फैलाई है, तो मैं इसको यही कहूंगा कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि राम कथा पे कोई भी किसी तरह का प्रयोग होगा भी तो वो नकारात्मक भी हो सकता है, एक सकारात्मक चीज है वो सकारात्मक उसमें प्रयोग कर सकते हैं, किसी चरित्र को विशेष महत्व दे सकते हैं, उस चरित्र के कई और डायमेंशन दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसको सड़क छाप नहीं बना सकते, आप घटनाओं में फेर नहीं कर सकते। एक और सफाई कल मनोज मुंतशिर ने दी है कि मैंने तो 1000 डायलॉग लिखे हैं, पर आप लोग तो मात्र 5 डायलॉग्स को पकड़ के बैठ गए। ठीक है, कुछ कुछ खराब हो सकते हैं, पर उस फिल्म में 3 घंटे की फिल्म है, आखिर बहुत कुछ अच्छा भी तो है। तो मैंने उसका, अपने एक मित्र ने मुझसे ये सवाल किया कि हम सिर्फ उन 5 डायलॉग्स पर क्यों फोकस कर रहे हैं, फिल्म में बहुत अच्छी बातें भी हैं। मैंने कहा एक काम करो ना, बहुत अच्छी डिश बनाओ, पूरा 1000 लोगों के लिए
पूरा कड़ाहा भर के शाही पनीर बनाओ और उसमें बस थोड़ी सी, इतनी सी, सिर्फ एक चम्मच, बल्कि उससे भी कम, कुत्ते की पोटी डाल दो। बोलो अरे यार कढ़ाई भर के शाही पनीर बनाया, ये इतनी सी पोटी आप लोगों को इतनी परेशान कर रही है, कोई खा नहीं रहा है। अरे भैया आपने बड़ा कितनी ही बड़ा उत्तम उदाहरण दिया है आपने, जो बिल्कुल इसका कोई और लॉजिक, इसका कोई और दूसरा हो भी नहीं सकता है कि आपने चाहे जो बेहतरीन बनाया हो, आपने जरा सी गंदगी उसमें डाल दी ना, वही पर्याप्त है पूरी डिश को खराब करके और नाली में फेंक दिए जाने के लिए। और एक बात बताऊं, और दुनिया भर ये इतनी मूर्खतापूर्ण इन्होंने काम किया है। आपको मालूम है नेपाल ने सभी सभी भारतीय फिल्में अपने सिनेमाघरों से उतरवा दी हैं कल। बिल्कुल सही, उचित किया। और जहां तक मेरी सूचना है कि बाबा तो इतने नाराज थे, योगी जी तो इतने नाराज थे कि यूपी में हो सकता है आजकल में फिल्म बैन हो जाए अगर उन्होंने तुरंत इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया तो। बहुत बिल्कुल, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है योगी जी बेहद सख्त नाराज हैं, और वो नाराजगी जायज है। जायज है, बिल्कुल जायज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं आखिरी बस एक मिनट के लिए मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि क्या इस घटना के बाद भारत में राम के चरित्र को लेकर राम कथा पे फिल्म का बनना बंद हो जाएगा? क्योंकि कभी कभी ये लगता है ये पिक्चर बनाई इसीलिए गई है ताकि कोई दूसरा जो है अब राम पे जो है फिल्म ना बना सके। कुछ वर्ग इससे आपको याद होगा 80 के दशक में कलयुग की रामायण बनाई थी मनोज कुमार ने है ना, एंड दैट टू वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस, वेरी वेरी बैड, थर्ड क्लास पिक्चर थी। और तब तो सिनेमा भी नहीं था, आई मीन सोशल मीडिया भी नहीं था, सो कॉल्ड बायकॉट गैंग भी नहीं था, तब भी भारत के समाज ने स्वीकारा नहीं था उस फिल्म को, रिजेक्ट कर दिया था, जबकि जबकि मनोज कुमार की जो इमेज थी वो देशभक्त व्यक्ति की थी, वो देशभक्तिपूर्ण फिल्में बनाया करते थे, पर जब उन्होंने राम कथा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उस जमाने में भी उनको रिजेक्ट किया गया था। नहीं, रिजेक्ट ही नहीं किया, उसके बाद मनोज कुमार का करियर ही खत्म हो गया। उसके बाद यस आखिरी फिल्म थी ये मनोज कुमार की। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, रामायण और महाभारत से बेहतरीन स्टोरी इस धरती पे कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इन दोनों स्टोरी लाइन्स पे आप 1000 फिल्म बनाइए, सब की सब हिट होंगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि आप मूल कथानक से और स्टोरी की मूल भावना से आत्मा से, मूल जो स्टोरी की जो आत्मा है उससे छेड़खानी मत कीजिए, तो ये फिल्म गलत बन ही नहीं सकती। अगर आप वही बात है, मूल भावना से, मूल आत्मा से अगर आपने खिलवाड़ नहीं किया, तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि आज तक हॉलीवुड के फिल्मकारों ने इस स्टोरी को क्यों नहीं लिया अब तक, क्योंकि मुझे बड़ी, मैं उस दिन के इंतजार कर रहा हूं जिस दिन हॉलीवुड जो है महाभारत और रामायण को अपने हिसाब से, पिछले दशकों में इस पे काम हुआ लेकिन वो खुद इतना ज्यादा मटेरियल है कि वो खुद इस चीज को स्वीकारते हैं कि इसमें धन के साथ उसको जो है संघर्ष एक फिल्म में 3 घंटे में समेटे नहीं, उसपे तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स टाइप की जो सीरीज या स्टार वॉर्स की जो सीरीज बनती है 8-9 फिल्मों की, तब जाके आप उसको जो है कुछ कंडेंस रूप से सही दृष्टिकोण से सामने ला सकते हैं। इसके प्रयास काफी किए गए लेकिन उसको जो है हिम्मत नहीं पड़ पाई किसी व्यक्ति। और देखिए पुष्कर दा, बात को कंक्लूड करते करते मैं अपनी एक बात कह दूं कि देखिए मैं तो आई एम अ लवर ऑफ सिनेमा, पर मेरे सिनेमा का टेस्ट जो है ना बहुत परिष्कृत रहा है, और सिनेमा के बारे में तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जितने भी कला के माध्यम हैं सिनेमा उनमें सबसे ज्यादा सशक्त है, सबसे ज्यादा प्रभावी है।
और शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम यदि कुछ हो सकता है तो वो सिनेमा है। बल्कि मैं तो ये, मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि मेरा जो आदर्श अगर कोई विद्यालय हुआ तो मैं तो सिनेमा को, वर्ल्ड सिनेमा को करिकुलम का हिस्सा बनाऊंगा। मैं कहता हूं एक अच्छे स्कूल को हर हफ्ते एक बेहतरीन वर्ल्ड सिनेमा स्कूल में एज अ सिलेबस दिखाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कक्षा मतलब एलकेजी से लेकर और ट्वेल्थ तक या इवन बीए और एमए की क्लासेस तक भी बाकायदा सिलेबस होना चाहिए कि हर बच्चे को ये 300-500 सिनेमा जरूर दिखाया जाए। हर हफ्ते एक सिनेमा स्कूलों में दिखाया जाना चाहिए। सिनेमा शिक्षा का इतना बड़ा माध्यम है। मैं आपके इस बात से पूरे सहमत, तो इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। निश्चित रूप से सिनेमा जो है क्योंकि विजुअल मीडियम है और सबसे शक्ति कारक भी है, तो इसी के साथ जो है हम आज की जो है श्रृंखलाएं बंद करते हैं और इसी विषय पे जो आदि पुरुष के और जो बातें होती है, कोई नवी चीज होगी तो उस पर फिर मैं आपको आमंत्रित करूंगा। इसी के साथ जो है दादा जी, ये तो चलिए आज जो आज की जो बातचीत थी ना वो आदि पुरुष पे फोकस थी। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मैं और आप ना एक दिन वर्ल्ड सिनेमा पे एक बढ़िया सी पर चर्चा करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल वादा है। वर्ल्ड सिनेमा पे जो हम लोग बात करते हैं उसको जो है मैं जरूरी और आप, क्योंकि मुझे मालूम है आपका भी सिनेमा का टेस्ट बहुत परिष्कृत है, बहुत ही रिफाइंड टेस्ट है, और लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन वर्ल्ड सिनेमा समडे, जल्दी करेंगे इसको। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को जो है यही कहूंगा कि जैसे अजीत भाई ने कहा है, हम लोग जो है शीघ्र ही जो है विश्व सिनेमा पे जो है एक सार्थक जो है विचार मंथन जो है आपके समक्ष लाएंगे। और इसी के साथ यह आप लोगों से विशेष आग्रह है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जो यदि कोई विशेष कमेंट हो आपको करने हो अवश्य करें। इसी के साथ जो है आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।